जोधपुर में अधिवक्ता जुगराज सिंह चौहान की हत्या मामले की चिंगारी झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र में लगातार सुलगती दिखाई दे रही है। मृतक अधिवक्ता जुगराज के हत्यारों को फांसी की मांग को लेकर सूरजगढ़ अभिभाषक संघ के आह्वान पर अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता प्रोटेस्ट बिल लागू करने और जुगराज के हत्यारों को फांसी देने की मांग की और बाइक रैली निकाली। रैली के दौरान अधिवक्ताओं ने जुगराज के हत्यारों को फांसी की सजा दो, अधिवक्ता प्रोटेस्ट बिल लागू करो के नारे लगाए। नवभारत समाचार झुंझुनू से पवन शर्मा की रिपोर्ट। आज जोधपुर में हुए वकील हत्याकांड के विरुद्ध अभिभाषक सूरजगढ़ ने सर्वसम्मति से बाइक रैली निकाली और जुगराज के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। इसी के साथ साथ राजस्थान में प्रोटेक्शन बिल की मांग को पुरजोर से रखा। सदी अधिवक्ताओं ने एक मंच पर आकर के एक स्वर में अब हम आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। इसी क्रम में हमारे अभिभाषक संघ सूरजगढ़ के द्वारा पूर्णतया पैन डाउन हड़ताल कर रखी है और आज अनिश्चितकाल के लिए यानी कि आगामी आदेश तक वर्क सस्पेंड कर दिया गया है। सभी अधिवक्ता इस भारी आक्रोश में हैं कि अधिवक्ताओं के साथ आए दिन हो रहे अत्याचार और हत्याएं जैसी घटनाएं अधिवक्ता समाज के लिए दुखद ही नहीं चिंता का विषय है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इसी सत्र में हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए ताकि अधिवक्ता सुरक्षित होकर के कानून की लड़ाई लड़ सके।